Assalamualaikum viewer, ये देख सकते हैं हम ये कराची ज़ू है सामने और अब हम जा रहे हैं दो दरिया की तरफ। तो आपको हमने कहा कि अपने व्यूअर को जो है ये नज़ारे दिखाते हुए जाए। हम बाइक पे हैं इस वक्त, मैं और ज़ुहैब है और जो हमारे ऑफिस कुलीग है वो जो है वो वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार के पास, उनको वहाँ से हम पिक करेंगे और फिर जो है हम दो दरिया की तरफ रवाना होंगे। ये मैं आपको ज़ू का दिखाऊंगा, दूसरा गेट है ज़ू का। ये ज़ू की चार दीवारी नज़र आ रही है आपको, कितनी खूबसूरत पेंटिंग की हुई है आपने देखा। अब सफाई के इंतज़ाम भी बहुत बेहतर है यहाँ पे ज़ू में बनस्बत पहले के। और ये कराची ज़ू का मेन गेट है जनाब, अभी देख सकते हैं आप, ये देखिए आप अभी बार, ये देख सकते, ये मोबाइल मार्केट आ गई है जनाब, ये है बड़ी मोबाइल मार्केट आपको नज़र आ रही थी। और इस तरफ भी यहाँ पे पहले सिनेमा होते थे, अभी एक सिनेमा मौजूद है बम्बिनो सिनेमा, और वो सामने एक कोने में बिल्कुल स्टार सिनेमा हुआ करता था, अभी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। और यहाँ मोबाइल मार्केट बन गई, देख सकते हैं कराची की बड़ी मोबाइल मार्केट यहाँ पर नज़र आ रही है जनाब। आज फ्राइडे है तो दुकानें बंद है, जुमे की नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं लोग। व्यूअर ये आपको मैं दिखाता चलूँ, ये देखें कितनी पुरानी बिल्डिंग है अंग्रेज़ों के ज़माने की। ये सामने चर्च है, बहुत ही कदीम चर्च है। और ये आपको मैं दिखाता चलूँ जहांगीर पार्क, रेनोवेशन के बाद देखिए जहांगीर पार्क है सदर अम्प्रेस मार्केट का। ये देखिए जनाब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है यहाँ पे, लेकिन विद फैमिली, विदाउट फैमिली नहीं छोड़ते। और ये भी जो है ना ये मार्केट शुरू हो गई है, रीगल सदर रीगल की मार्केट शुरू हो गई, ये सदर की मार्केट है जनाब। और इसके बैक साइड पर जो है गोरा बाज़ार है, गोरा बाज़ार है, वहाँ पर तमाम बच्चों की सारी रेडीमेड वैरायटी सब अवेलेबल होती है, सब मिलती है वहाँ पे। ये सामने हम आपको देखा है बिल्कुल कदीम पुरानी बिल्डिंग अंग्रेज़ों के ज़माने की, पाकिस्तान बनने से पहले की, ये आपको नज़र आ रही गई। देखिए जनाब इतने खूबसूरत स्टाइल से बनी हुई है, इसका नाम आप देख सकते हैं जो है, ये हम दो दरिया पहुँच गए हैं। और ये पीछे भी हमारे साथ ही आ रहे हैं, तो ये हमारे बैक साइड में ये देख सकते हैं जनाब, ये हमारे ज़ुहैब भाई है। पहुँच चुके हैं जनाब नाज़रीन, ये मैं आपको नज़ारा दिखाऊँ दो दरिया का। ये देखिए जनाब ये सारा समंदर है, ये दो दरिया का नज़ारा देखिए, अब पानी का चढ़ाव लगा हुआ है और अब हम यहाँ से चारा लेंगे। ये हम दो दरिया पहुँच के देखे जनाब, पानी का चढ़ाव लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं फिशिंग के, यहाँ भी देखिए फिशिंग पॉइंट में सारे फिशिंग वाले बैठे हुए, पानी चढ़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं जनाब, यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ फिशिंग पॉइंट के करीब आ चुके हैं। ये कोस्टल स्ट्रीट नंबर 5 है जनाब, ये देख सकते हैं। और जनाब अभी देख सकते हैं जैसे कि अब हम कच्चे में दाखिल हो चुके हैं जनाब, और ये कच्चा स्टार्ट होगा, ये पीछे है जो है ना इस दीवार के पीछे कब्रिस्तान है डीएचए का,
डीजे का कब्रिस्तान है और ये हमारे मछेरे भाई आ रहे शिकार करके। ये आप देख सकते हैं जनाब, फुल एडवेंचर है। ये हम कच्चे में उतर चुके हैं इस वक्त। ये हमारे जो है साबिर भाई है, साबिर भाई माशाल्लाह इस वक्त बहुत खुश नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि न्यू पॉइंट पे आ रहे हैं साबिर भाई आज। तो आज हमने साबिर भाई को दावत दी कि आज चले हमारे साथ दो दरिया में। ये सामने आप देख सकते हैं जनाब मैंग्रोव है जनाब, ये देखें मैंग्रोव के दरख्त है, ये मैंग्रोव के दरख्त है। यहाँ जो है ना चारा भी मिलता है यहाँ पे। मैंग्रोव गिर गया और सामने देखिए बैग गिर गया भाई का। ये सामने फिल्टर प्लांट है खारे पानी को मीठा करने का, समंदर के पानी को मीठा करने का। ये मुशर्रफ साहब के दौर में लगाया था। और पानी इस वक्त जो है ना चल रहा है, चढ़ाव लगा हुआ है और ये देखिए अब आपको मैं नज़ारा दिखाऊँ पानी के। कुछ ही लम्हों में हम जो है ना साहिल पे पहुंच जाएंगे और आपको साहिल के मनाजिर दिखाएंगे। ये देखिए जनाब ये फुल एडवेंचर यहाँ जो है। ये देखिए जनाब साहिल, ये साहिल पे हम आ चुके हैं और अब हम आ जाएंगे लेफ्ट सामने बिल्कुल। ये जाल वाले जाल भी निकाल रहे हैं और हम अपनी पॉइंट की तरफ जाएंगे, फिशिंग करेंगे इंशाल्लाह।